होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये चिप सब वाला टिकट आपके लिए सर। चलिए थैंक यू। माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक शब्द कहने के लिए अनुरोध। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह जी, हमारे अहमदाबाद के सांसद किरण भाई सोलंकी जी, लखनऊ और अयोध्या में उपस्थित श्री जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, मेरे सचिव आदरणीय मान साहेब, संयुक्त सचिव असन बाजूबा जी, हमारे इंडिगो से उपस्थित आर के सिंह जी, अहमदाबाद एवं अयोध्या में उपस्थित सभी हमारे जनमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे उपस्थित महानुभव, आज एक बहुत नया प्रयोग और नया इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई थी, और जो देश के 140 करोड़ लोगों की एक श्रद्धा, एक विश्वास, जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश, भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस
अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति भी होगी, होने वाली है 22 जनवरी। और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है दसों दिशाओं के द्वारा। जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा। लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ चाहे केदारनाथ की हम बात करें, बद्रीनाथ के मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो, और चाहे अब अयोध्या, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर ये जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव दो प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम, वहां पूरे होते हैं सारे काम। और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंस और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंस और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंस का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण भी था, मैं समझ रहा था, क्योंकि दोनों ही शहर, चाहे एक तरफ प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब दोनों राज्य गुजरात और अहमदाबाद, वहां दोनों ही शहर एक मानक है भारत के समृद्ध इतिहास का, भारत के आकर्षण का, भारत की शक्ति का, भारत की संस्कृति का और भारत की सभ्यता का। और इसलिए आज इस फ्लाइट के आधार पर केवल दो शहरों को नहीं जोड़ा जा, लेकिन इससे आर्थिक विकास की पहिया को गति दी जाएगी, पर्यटन की पहिये को गति दी जाएगी, धार्मिक क्षमता की पहिये को गति दी जाएगी, और पूर्ण रूप से दोनों राज्यों के लोगों और श्रद्धालुओं को जोड़ने को भी एक नवीन गति दी जाएगी। तो मैं इंडिगो के आर के सिंह जी को भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत रुचि के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ कार्य किया है, ये अयोध्या के एयरपोर्ट को संभव कराया, और रिकॉर्ड टाइम में, मैं यूपी की सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, रिकॉर्ड टाइम में जमीन आवंटित किया। और उसी समय में जब हमारी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट भी हम स्थापित कर दें, 20 महीनों में हमने एयरपोर्ट स्थापित कर दिया, जो स्वयं भारत में एक रिकॉर्ड। और प्रधानमंत्री जी की सोच और जो विचारधारा है कि एक हवाई अड्डा, एक विमानतल केवल एक तल और एक अड्डा नहीं होना चाहिए,
लेकिन उस शहर की संस्कृति और इतिहास का द्वार बनना चाहिए। और उसी सोच और विचार के साथ हमारे मंत्रालय ने एक मंदिर का आकार अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए दिलवाया, ताकि ऐसा लगे हर श्रद्धालु को जब वो अयोध्या आए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि में वे प्रवेश कर रहे हैं। जब वो विमानतल में प्रवेश कर, विमानतल के अंदर भारत की समृद्ध संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करने का मौका हर यात्री को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की कलमकारी क्षमता, उड़ीसा की हमारी पट्टचित्र कला की एक विवरण, बिहार की मधुबनी जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझे आह्वान किया था, भगवान श्री राम के सारे जीवन शैली को इन सारी कला और संस्कृति के द्वारा पूर्ण रूप से डिपिक्ट किया गया है। और मैं मानता हूं कि इस हवाई अड्डे की जो शुरुआत अभी की है हमने 6,500 स्क्वायर मीटर मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी, ये मात्र शुरुआत है। और जल्दी हम फेज टू की शुरुआत करेंगे जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में 5,00,000 स्क्वायर फुट का फेज वन में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं, और जहां 600 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो सकती है वहां 3,000 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो पाएगी। और इसी के साथ रनवे को भी जो अभी 2200 मीटर का है वो 3,700 मीटर का हम बनाएंगे, ताकि बोइंग और एयरबस 3A320 ने केवल लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमान भी सीधा अयोध्या में लैंड कर पाए। और यही हमारी कल्पना है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का साथ है। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सहायता के साथ इस द्वितीय फेज को भी हम जल्द से जल्द शुरुआत कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश नागर विमानन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पर चला है। जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 18 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही उत्तर प्रदेश 41 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 700 फ्लाइट मूवमेंट्स होती थी 2014 में एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1,654 एयर ट्रैफिक मूवमेंट, 137% बढ़ोतरी हुई। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे संचालित 2014, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति शीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद, 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले एक माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है, और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कैपेसिटी मतलब 1,20,00,000 यात्रियों की कैपेसिटी के आधार पर कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, न्यूरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6
क्योंकि इस भगवान श्री राम की जन्मभूमि की एक मंथन और एक संकल्प के साथ मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी भी जुड़ी हुई थी। एक कल्पना कई पीढ़ियों की थी, 500 साल पुरानी एक कल्पना और एक सपना था जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। और इसी सोच और विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी कि देश के एक एक व्यक्ति को विमान सेवा के साथ हमें जोड़ना है, जिस देश में केवल 75 हवाई अड्डे थे 9.5 साल में 149 हवाई अड्डे जो 65 वर्ष में हुआ था वो 10 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने डबल करके दिखाया। और हमारा संकल्प है कि आने वाले 3-4 सालों में इसे बढ़ाकर 200 से 220 तक ले जाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी उस बात की गारंटी है कि उस गारंटी को पूर्ण संकल्पता के साथ जब तक सिद्धि तक न ले जाए तब तक एक एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण लगन के साथ रहेगा। आज के दिवस पर मैं सभी महानुभावों को अपने दिल के गहराइयों से बधाई अर्पित करना चाहता हूं और अपने दिल के गहराइयों से सभी को आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी अयोध्या से बढ़े। आज दिल्ली की फ्लाइट है, अब अहमदाबाद की फ्लाइट है, आने वाले दिनों में हम और फ्लाइट्स की शुभारंभ भी करने वाले हैं, ये विश्वास दिलाते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या अहमदाबाद के बीच में वायु सेवा प्रारंभ होने के अवसर पर आज के समारोह में वर्चुअली जुड़े हुए केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय सांसद अहमदाबाद प्रोफेसर क्रीट प्रेम जी भाई सोलंकी जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर के सिंह जी, नागर विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डीएस मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए अयोध्या और अहमदाबाद से जुड़े हुए सभी इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें
इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन, बरेली में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन और अयोध्या में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है, वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं, 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे, आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। वाराणसी में 19,16,000 से बढ़कर के 25,21,000 हुई है। गोरखपुर में 54,000 से बढ़कर के 7,18,000 और प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 यह पैसेंजर यह प्रतिवर्ष आज इसमें बढ़ोतरी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद अयोध्या या अयोध्या अहमदाबाद के बीच में जो ये सेवा प्रारंभ हो रही है, तो अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को अयोध्या आने में, इस सेवा का उपयोग करने में और आसानी से अयोध्या तक पहुंच बनाने में उन्हें मदद मिलेगी, या अयोध्या से अहमदाबाद या सूरत या सोमनाथ या द्वारिका धाम या अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाने का इच्छुक होगा, या आसानी से वायु सेवा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा भी कराया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र समर्पित भी करवाया। और आज अयोध्या हर व्यक्ति आने का इच्छुक दिखाई देता है, स्वाभाविक रूप से वायु सेवा उसके लिए सबसे आसान माध्यम हो सकता है। अयोध्या देश का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों के रूप में विकसित हो चुका है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से, ये तीनों प्रकार की बेहतरीन कनेक्टिविटी आज अयोध्या के लिए उपलब्ध हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे, और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। इस अयोध्या को लोगों ने पहले पहचानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया, और ये केवल आस्था ही नहीं बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। इन सभी कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा के अंदर अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता के साथ इन लोगों ने बेहतरीन संवाद बनाया, और उस संवाद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करने में अपना योगदान दिया। और आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई उड़ाने प्रतिदिन अयोध्या के लिए जोड़ते जा रहे हैं, और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। एक बार फिर से इंडिगो को अयोध्या अहमदाबाद के बीच इस नई वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद, भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के कार्यक्रम को हम सकुशल एक नए दिव्य और नव्य अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और राज्य सरकार के द्वारा हर प्रकार के सहयोग के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।